अल्लाह रहमान रहीम। वीक 11 क्लास 2 किताबें हमारी कवायद इंशा, सबक है हमारा जो मैं आपको काम करवाने लगी हूँ, सफ़ा नंबर है 36। वाहिद जमा। वाहिद एक शख्स या चीज़ को वाहिद कहते हैं, मसलन लड़का, झंडा, सितारा वगैरह। जमा दो या दो से ज़्यादा अशखास या चीज़ों को जमा कहते हैं, मसलन लड़के, झंडे, सितारा वगैरह। वाहिद से जमा बनाने के कुछ उसूल हैं। वाहिद के आखिर में अलिफ और हे हो तो उसकी जगह बड़ी लगा देने से वाहिद जमा में तब्दील हो जाते हैं, मसलन। ठीक है, अब ये नीचे आपको वाहिद जमा दिए गए हैं, ऊंचा ऊंचे, प्यारा प्यारे, बकरा बकरे, तारा तारे, ताला ताले, डब्बा डब्बे, जूता जूते, जर्रा जर्रे, रास्ता रास्ते, सुबह सूबे, सहारा सहारे, तोता तोते, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, हमारा हमारे। आपने इसमें ये सारे आपने याद करने और इसमें से कोई से 10 याद करके आपने अपनी उर्दू की नोटबुक पे लिखने। इसके बाद है सफ़ा नंबर 38। वाहिद और जमा अलग अलग करने ये आपको दिए गए हैं। इसमें से आपने वाहिद वाहिद के खाने में लिखने हैं और जमा जमा के खाने में लिखने। फिर सरगर्मी नंबर 2 हैं, दिए गए अल्फाज के आखिर में अलिफ नून गुना लगाकर जुमले बनाने, जमा बनाने। सहेली सहेलियाँ, चाबी चाबियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, नेकी नेकियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, पहेली पहेलियाँ, लड़की लड़कियाँ, कॉपी कॉपियाँ, ये आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है दर्जल हरूफ से लफ्ज़ बनाकर उनके जमा लिखिए। ये अब आपको तोड़ दिए गए हैं, आपने इनके जोड़ बनाने हैं और फिर उनके आपने आगे जमा बनाने। जैसे सीन वाव अली प्रे छोटी है सवारी, यहाँ लिखना है सवारी, आगे सवारियाँ। आइन ये दाल ईद, ईद ईदें, इस तरह ये आपने मुकम्मल करना है। ख़त कशीदा वाहिद के जमा लिखकर दोबारा जुमले लिखे हैं, मसलन मैंने बाज़ार से ताज़ा सब्ज़ी खरीदी, मैंने बाज़ार से ताज़ा सब्ज़ियाँ खरीदी। अब ये दी खरीदी नहीं आएगा, खरीदी। पौधे को, पौधे की जड़ ज़मीन के अंदर होती है, पौधे की जड़ें ज़मीन के, ये अब होगा ये जम वाहिद जमा है तो आपने इसका वाहिद बनाना। पौधा पौधा की जड़ ज़मीन के अंदर होती है। शाख पर फूल खिले हैं, शाखों पर फूल खिले हैं। सीढ़ी सहारा लेकर ना चढ़ो, सीढ़ियाँ सहारा लेकर ना चढ़ो। परिंदा सुबह से चहचहा रहा है, परिंदे सुबह से चहचहा रहे हैं। ठीक है, अब है सफ़र नंबर 40। ख़त कशीदा अल्फाज के वाहिद और जमा लिखिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, तस्वीरें खूबसूरत है, तस्वीर खूबसूरत है। सुबह को सूरज की किरणें भली लगती है, सुबह को सूरज की किरण भली लगती है, ये आपने पूरा करना है। इसके बाद आपको ये एक मुअम्मा दिया गया है, आपने यहाँ पर तारे कुर्सी, आपने यहाँ पर इसको ढूंढ के आपने कलर करने हैं। ये आपका इस वीक का काम था, आपने किताब पर ही ये सारा हल करना है और याद भी करना है। इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, वहाँ ये सारा काम आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।